तो आज मैं ना एक लुधियाने का मैटर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मिलिए सुच्चा सिंह जी से, जो एक गुरुद्वारे में पाठ करते हैं और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और फिर मिलिए काउंसलर साहब जी से, जो लोगों के हितों में काम करते हैं, उनकी मुसीबतों को दूर करते हैं और समाज को एक अच्छी तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं। तो इन सबकी कहानी मैं शेयर करती हूँ आगे। और अब मिलिए वो जो मुजरिम हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, ये दो बच्चे जो बैठे हुए हैं ये क्रिमिनल्स हैं लोगों की नज़र में। कितने लोग देखो यहाँ से निकल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन लोगों ने ठेका उठा लिया है इनको, जो एक वक्त की रोटी देता है उसका जीना हराम करने का और इन बच्चों को बुरी तरह मारने का। वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये वीडियो लुधियाना के न्यू शिमलापुरी प्रीत नगर की है। देख लो ये सुच्चा सिंह एक अपाहिज डॉग को कितनी बुरी तरह मार रहे हैं। ये जो औरत है, इनकी दो बेटियां और एक बेटा, ये किराना स्टोर चलाती हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो बचता है इन बेजुबानों को खाना देती हैं, उनकी टेक केयर करती हैं, थोड़ी पनाह दे देती हैं। इन लोगों को देख लो कितनी तकलीफ है। इतना बुजुर्ग बंदा और कह रहा है कि कुत्ते को उठा के बाहर फेंक, अंदर क्यों रखा हुआ है। आप बताओ कि इस बंदे को क्या बोलना चाहिए। और जो लोग लुधियाना शिमलापुरी प्रीत नगर से हैं, प्लीज़ ये मीनू किराना स्टोर है, यहाँ जाके इस लेडी को जरूर सपोर्ट करना और इन लोगों को बताना, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इन बेजुबानों से, क्या फ़ायदा गुरुद्वारे में बैठ के पाठ करने का। मतलब कोई भी जाके गुरुद्वारे में पाठ कर सकता है, कोई भी कुछ भी अपनी लाइफ में बन सकता है। इनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता कि रोज ये कितने बेजुबानों को डंडे मार के जाके इतनी पवित्र जगह पे वहां जाकर पाठ करते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ, इनकी औकात पता लगे। और ये वीडियो में जितने बंदे आप देख रहे हो ना, सामने काउंसलर साहब जी खड़े हुए हैं नीली टी शर्ट में, आगे आप इनकी जुबानी सुनना। ये कह रहे हैं कि इस लेडी पर पर्चा कराओ, इसका नाम लिख के इसको फंसवाओ कि ये नशे बेचती है। देख लो ये अपने समाज में ऐसा होता है कि जब एक गरीब आदमी, ये जो स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ है, इनको खाना देता है ना, तो कितने सारे आदमी उसको टॉर्चर करते हैं। इस लेडी को, यहाँ पर कोई लेडी नजर आ रही है? नहीं, ये आदमी इस लेडी को मार रहे हैं। कैमरे सामने मार तू, क्यों देख रहे हो वीडियो में कितने लोगों को कितनी दिक्कत है। ये तुम्हें सब अलग अलग शक्लों के लोग हैं सारे के सारे, इन सब लोगों को बेजुबानों से दिक्कत है कि इनको उठा के कहीं फेंक दे। ये सरदार जी भी अपना लेक्चर दे रहे हैं पूरा यहाँ पर। लो जीब कहानी में एंट्री मुलाजम साहब की भी हो गई है। मुलाजम साहब भी इन्हीं के साथ खड़े हुए हैं कि कुत्तों को उठा के फेंक दो और वीडियो मत बनाओ। गरीब इंसान की ना तो पुलिस स्टेशन में सुनवाई होती है, ना मोहल्ले में होती है, ना भगवान के घर में होती है, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। इतनी जनता देख रहे हो सिर्फ ये लेडी को टॉर्चर करने के लिए खड़ी हुई है, और हम एनिमल लवर्स मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते इस ज़माने में। दुकान के अंदर घुस के डॉग्स को मारा जा रहा है, लेडी के साथ हाथापाई हो रही है, सब देख लो। हट्टे कट्टे नौजवान, ये डॉग हमने तो पैदा नहीं किए ना। और अब इन लोगों की जुबानी सुन लो सारी बातें। अब आपने अपनी आंखों से देख भी लिया, कानों से सुन भी लिया कि बंदे आपस में क्या कह रहे हैं, किस डॉग पे और इस लेडी पे पर्चा करवाओ कि इसने मुझे काटा हुआ है। इसकी कंप्लेंट आ रही है कि 2 साल से ये बेजुबानों को खाना दे रही है और हम लोगों को दिक्कत है, डॉग्स को उठा के फेंक देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास इतनी पावर है, आप काउंसलर, आप अपने शहरों में नसबंदी अभियान क्यों नहीं चलाते? क्यों डॉग्स के नाम पे, गाय के नाम पे फंड लेके खा जाते हो? जिनके बेजुबानों के नाम पे पैसा आता है तो वो इन्हीं पे लगा दिया करो ना, ना ये रोज रोज लड़ाइयाँ हो। जितने बंदे देख रहे हो चिट्टी दाढ़ियों वाले, बेशर्म एक नंबर के, किसी को अकल नहीं है कि ये जनानी क्या कर रही है, खाना ही तो दे रही है। अगर तुम्हें तकलीफ है तो सबके मिलके नसबंदी करवा दो तुम इनकी।
यार हर रोज ऐसी कितनी वीडियोस आती हैं कि बेजुबानों को मारा जा रहा है, उठा के जंगलों में फेंक दिया जा रहा है। आखिर कब वो कानून पास होगा, कब ऐसे लोगों की सुनवाई होगी? जब इस लेडी के साथ बुरी तरह हाथापाई हुई तो ये पुलिस थाने पर्चा लिखवाने गई, तो अभी तक इसका पर्चा रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन इन इंसानों का पर्चा रजिस्टर्ड हो गया इस लेडी के खिलाफ, ये झूठा वो डाल के कि नशा बेचती है। देख लो, आप आज के टाइम में अगर आप गरीब हो ना, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं आप लिख के दे रही हूँ आपको ये चीज, तो जिंदगी में इतने अमीर बनो कि हम इन लोगों से मुकाबला कर सके। देख रहे हो आप, ये बच्चा बेचारा अपनी पूंछ हिला रहा है, इसको पता भी नहीं है जितने भी लोग खड़े हैं सामने इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, पता नहीं कब इसको जहर दे देंगे, पता नहीं कब इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। और ये वीडियो डलने के बाद ना, ये सब लोग मुझे भी गालियाँ देंगे, बट मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास इतने बड़े घर हैं, पैसा है, जॉब है, इन गरीबों के पास क्या है? ये गलियों में रह के अपना ज़िंदगी जीते हैं, कहीं किसी ने खाना दे दिया खा लिया, तुम इनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए? पता नहीं इन बेजुबानों की कितने दिन की ज़िंदगी होती है, कई बार सोए रहते होते हैं बेचारे, कोई गाड़ी ऊपर से निकल जाती है, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, कोई पैरालाइज्ड हो जाता है, उसके बाद ये गली वालों के डंडे। ये वीडियो देख के ना मेरे को रोना भी आ रहा है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और इस लेडी की प्लीज़ आप मदद करना वहाँ जाके, और ये सारे आदमी अगर इनके कोई नॉन है, रिश्तेदार है, प्लीज़ आप इनको समझा ही दो। पता नहीं सजा तो भगवान इनको कब देंगे, कोई इनको अकल ही दे दो थोड़ी सी जाके।